व्यूअर्स ब्रेक तो बाद सारे का स्वागत करते हैं। गलबात अगे तोरते हैं डॉक्टर साहब, अखीरले सैगमेंट के जिमें इस सारे पार्ट की असी चोणों के हवाले ही अच्छ सारी डिस्कशन रखी है, तो ये असी जिमें पंजाब दिया चोणों के हवाले भी आम आदमी पार्टी का आना पिछलिया चोणों के डायसपोरा का वो रोल सपोर्ट के जड़ा आ वह वड्डे लैवल दे उत्ते देखा गया सी। इस बार जिहड़ी इह चेंज हैगी है वी डायसपोरा ने उवें एंथोजियाजम नहीं दिखाया, इहनूं किवें देखदे हो तुसीं, ते इहदे विच डायसपोरा दा की रोल है हुण पंजाब प्रति, पंजाब दीआं हक्की मंगां दे प्रति, पंजाब दे विच कुछ डिलीवर कर सकण दे प्रति? देखो, असीं इह समझदे हां कि डायसपोरा दी पावर जिस अजकल सॉफ्ट पावर करके भी डिस्कशन दे विच क्लब हाउस डिस्कस किया जाता है, उन्हों कोई भी तर इग्नोर नहीं कर सकती। और बेशक पिछलियां चोणां वेले खास तौर पर पार्लियामेंट दीआं चोणां वेले 2014 दे विच जदों के अरविंद केजरीवाल और उन्होंने बाकी बंदे इत्थे घूमते रहे और उन्होंने मिलियनज ऑफ डॉलर्स जिहड़े ने वो बाहरले सिखां तो रेज किए, जिसने इस पार्टी की बुनियाद रखी। ये वक्री गल है कि बड़ी थोड़ी देर च ही वो डिसल्यूजनमेंट हुई और ईवन उन्होंने जे एम पीज तो भी देखिए तो उन्होंने आलमोस्ट दोवें तिने एम पी भी जड़े उन्होंने फाइनली छड़ गए और कला भगवंत मान जिन्हों ये जिदा ये ड्रीम सी कि जी मैं चीफ मिनिस्टर बनना है उही रहा। लेकिन इस दे नाल नाल असी देखते हैं कि ईवन दीप सिद्धू जड़े कि किसानी लहर वेले उभरे, इस तो इलावा किसान लहर जे उन्हां दी सब तो ज़्यादा फाइनैशियल हैल्प और उन्होंने पोलीटिकली भी जो इस मूवमेंट को इंटरनेशनली जड़ा है वो सतह के गलियारियां तक इतने यू एस कांग्रेस होए, कैनेडियन पार्लियामेंट, यूके पार्लियामेंट, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो यह डायसपोरा सिखा की गल सी जिस खौफ तो खौफ ज़्यादा हो के मोदी ने जो गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब के मौके तीन खेती कानून वापस लैन की गल की, तो जाहिर है भी वह सिख कौम एड्रैस कर रहे थे और उन्होंने पता है कि भी ये ग्राउंड के उत्ते बैठे जिन्हों मेवाली तो किवें कह के क्रिमिनल तो किसान ही नहीं ने, जे डायसपोरा पावर ना होंगी तो उन्होंने नाल जो सलूक होंगे वह ईवन कल्पया ने भी नहीं जा सकता कि किवें उन्होंने इनू क्रश करना सी। पर यह जी विक्टरी यूनीक हासिल हुई अनफॉर्चुनेटली उस पीरियड च ही जो लगभग 13 महीने लोग उत्थे बैठे रहे, जिहड़े 38-40 बंदे उत्थे बैठे से उन्होंने किन्ने जड़े ने वो कां दे आलणे च कोयल दे आंडे सी, वह बाद दे विच ही सामने आया कि जदों के जिहड़े ट्रू हीरो सी सारी मूवमेंट नाल जुड़िया होया यूथ जिहड़ा हरियाणे तो दिल्ली तक लैके गया सी, उन्हां नूं किवें RSS दे नाल क्लब किया गया, एक्सट्रीमिज़म नाल क्लब किया गया, दहशतगर्दी नाल क्लब किया गया, पाकिस्तान नाल क्लब किया गया और उस दे बावजूद किवें दीप सिद्धू जां उन्हां दी सोच वाले उभरे और अखीरले दो हफ्तियां च उन्हां ने किवें वो अमरगढ़ होए जां पंजाब दे विच जिहड़ा एक नैरेटिव सिरजिया जिहड़ी कि वह जनरेशन चार दहाके बाद जिन्हां दे विच इक अवेयरनैस और उस दा जलवा असी दीप सिद्धू दे संस्कार दे मौके और फिर लगभग 5 लाख का फतेहगढ़ साहब का इकट्ठ और फिर उस तो बाद जड़ा 6 मार्च नूं जड़ा बरगाड़ी दे विच दीप सिद्धू दी या उत्थे जड़ा लखां दा इकट्ठ सी। सो असी समझदे हैं भी इस सब ने डायसपोरा सिखां दी पावर उस नूं दिखाया और हुण जदों के एक वड्डा गैप क्रिएट होया बादलां दा इररेलीवेंट होना इस पीरियड च और सीधे तौर पर पंजाब दा कंट्रोल एक नैशनलिस्ट पार्टी, क्योंकि इस सारे चोन क्रम दे विच कोई पंजाब दियां धार्मिक आर्थिक सियासी मंगा नहीं सी शामिल, कुछ भी नहीं सी, रादर जिहड़ा पंजाब दे हक्कां दी गल पाणियां तो जिथों मूवमेंट शुरू हुई सी धर्मयुद्ध मोर्चे दी जां उस तो पहलां जिथे कि इंदिरा गांधी टक लाण आई करपूरी मोर्चा जिथों शुरू होया सी, केजरीवाल तां उस पाणी दी लुट दा वड्डा एडवोकेट है जी। इसे हवाले दे नाल असीं देखदे हां कि भाई कोई भी जड़ी ईवन सियासी कैदियों की रिहाई और दूसरी वो जिदा जी इमीडिएट उदे थले सी उस फाइल दे उत्ते भी वो बैठा रहा और अज तक भी उही उसका पार्ट है। सो असी ये देखो लड़ाई तो लड़ी जानी है उस धरती दे उत्ते, इहदे बारे कोई दो रावां नहीं ने। लेकिन जे अज असी यूक्रेन दे हवाले नाल भी गल करिए कि यूक्रेन दे लई दुनिया क्यों खलो गई, क्योंकि यूक्रेनियन डायसपोरा भी है
और हकूमतां नूं भी नज़र आंदा है और लड़ना तो उत्थे अल्टीमेटली उन्हां लोकां नूं ही पैणा है जिन्हां ने जाके मौके ते लड़ना है। सो पंजाब दे हवाले नाल भी इस गल दा ध्यान रहे कि अल्टीमेटली जदों, और ये गल मैं नहीं कहिंदा, ईवन कुमार विश्वास जिहड़ा कल तक उहदा साथी सी, फिर उहने उहदे ते खालिस्तानी होण दा इल्ज़ाम लाया, कहिंदा भी उहने कहा जदों केजरीवाल ने अपनी डिज़ायर कि भी मैं चीफ मिनिस्टर बनना है, तो उहदे लफज़ ही ने कुमार विश्वास दे कि पंजाब एक सूबा जां सियासी आइडेंटिटी नहीं है, पंजाब एक एमोशन है और दुनिया भर जदों सिख जिहड़े ने उहनां दे लई पंजाब उहनां दी इक इमोशनल थां है, उत्थे सिख ही चीफ मिनिस्टर होएगा, ये उहदे कहिण दा, हालांकि उहदा अदरवाइज RSS दा अपना नज़रिया है उस बंदे दा वी। हुण इस नूं समझदिआं सानूं इह समझणा पैगा कि जे आम आदमी पार्टी तां कोई पंजाब दीआं ना उह रिलीजियस ना पोलीटिकल ना इमोशनल उन्हें एस्पीरेशन तो रिप्रजेंट ही नहीं करती। सो एक खिलाफ बादलों के रेलीवेंट होने नाल है, एक उस धिर के पावर चाण नाल है जिहड़ा ईवन नमूने मात्र भी दिखावे मात्र भी कोई पंजाब की मंग नूं उन्हां ने टच नहीं किया, जे किसी ने कहण की कोशिश भी की। और ये गल एक उन्हां दा XMLA कह रहा है कि जी एक बार फूलका साहब ने पानिया के मुद्दे के उत्ते केजरीवाल नूं कहा जी, तो उन्हें जिवें उन्हूं छिड़के परे सुट्टिया, कहते मैनू भी लगा भी ये तो बेइज्जत किया इन्हें, उन्हें कहा जी छोड़ो ये पानी पुनी की बात, ये बातें करें हम जो राष्ट्र की हैं। सो मतलब कोई दो रावां नहीं ने। सो हुण मैनू ये लगता है कि जिहड़ी एक ये वैक्यूम नूं भरना भी तो एक जिहड़ी फ्रस्ट्रेशन इस सारे चों निकलनी है, लोकां ने जिहड़ा तबका भी इस पासे गया वो इस होप नाल गया कि शायद बेरोज़गारां नूं रुज़गार मिल जाए, शायद नशियां तो छुटकारा हो जाए, शायद ये हो जाए, पर ये भोले समझदे नहीं ने भी ये खेड एजेंसियां दी है। पंजाब दे विच जो वर्तार है वो सेंटर दियां एजेंसियां जिहड़ियां ने, और जिवें सरबजीत सिंह कुमार मैनशन कर रहे सी कि जी उन्होंने मतलब ज़िलों के भी एजेंसियां ने एक बिठाए बंदे, एक बीबी अमृतसर दी आके कहन लगी कि जी असी ये जिहड़ा डी रेडिकलाइज करना है सिखां नूं। हुण मतलब गल यह नहीं है भी तुसी खालिस्तानी हो या नहीं हो, पंजाब च तां उहनां नूं जिहड़ा पंज ककारी सिख है उही रेडिकल लगदा, उहनां नूं इह लगदा कि भी इहदे चों ही जिहड़ा उह एंटाई नैशनल है क्योंकि पंज ककारां दे थले दी कमिटमेंट तां गुरु और गुरु ग्रंथ साहिब नाल है। सो जे हुण अज इह डेलीबरेटली उहनां नूं उह भगत सिंह दा इमेज जिहदे नाल कोई ना लागा दे गया ना इहनां दी कोई उहदे ते कोई आस्था है, लेकिन जो है भी है ना वो बिलीवर है, तो जे ईवन डॉक्टर अंबेडकर के हवाले नाल बेशक उन्होंने बारे कहा जाता है कि वह बुद्ध धर्म च कन्वर्ट होए भी, लेकिन बुद्ध धर्म भी कोई आस्तकता दा दे विच यकीन नहीं रखता। और यही जे कार्ल मार्क्स ने कहा कि जी ये जी रिलीजन है ये तो ओपीएम ऑफ द मासिस है, तो डॉक्टर अंबेडकर के जे तुसी भगती मार्ग बारे उन्होंने विचार देखोगे तो लगभग उत्थे ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते सी कि जी ये अवेयरनैस के मामले च जां लोकां नूं एक होर पासे तोर दिंदा है और फराना। सो जे हुण यही हाल जिस केजरीवाल नूं यही BJP और दूजे कम्युनिस्ट कहिंदे रहे, लैफ्टिस्ट कहिंदे रहे, और जिहड़ा इस गल नूं प्रूव करन लई कि मैं हिंदू तवी आ बैठ के हनुमान चालीसा भी सुणांदा पूरे दा पूरा, सो ये लड़ाई इहनां दे खिलाफ जिहड़ी है साडे लई बड़ी ट्रिकी भी है, और डायस्पोरा दा ही वड्डा रोल होएगा कि जदों पंजाब दे लोकां च ये फ्रस्ट्रेशन का लैवल वधना है तो असी एक सबस्टीट्यूट उत्थे देईए और अपनी गल अपने नैरेटिव नाल, जिवें बड़े ब्रीफ टाइम च दीप सिद्धू एक तबके नूं समझाउण च कामयाब रहा नौजवानों दे नूं कि गल अल्टीमेटली साडी होंद दी है, और वो होंद साडी अपनी अल्टीमेटली अपने मुल्क दे नाल बझी हुई है, दिल्ली का कोई सिस्टम जिहड़ा है उस चों साडे लई जस्टिस नहीं निकलना, क्योंकि वह बनाया इस ढंग नाल गया है कि उस चों सानू साडा गला घुट के मारना है, स्लो डैथ करनी है, घुट घुट के मर जाऊं, ये मर्जी मेरे सयाद की है। तो सानू ये समझना पएगा कि सानू अपनी जनरेशन नू तैयार करना होएगा कि दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान ही सारे मसलियां दा हल है, बाकी जिहड़ा जे असी वक्त ज़ाया करना है तो बेशक करदे रहिए, ऑलरेडी जे सानू 75 साल च उस सिस्टम च रहिंदे आ समझ नहीं आई कि भाई साडा कोई मसला बिना कौमी कर खालिस्तान दे हल नहीं होना, तो फिर अगों खवारी लई तैयार रहिए,
पर मैं समझदा भी पंजाब की धरती दे उत्ते अज धरती दे ओ वारस सिखी दे वारस सिख कौम की गल सिखी मुद्दे की गल कौमी कर खालिस्तान की गल उस दे मुद्दे ही मौजूद ने और वो जिहड़े साडे नौजवानी दे वड्डे इकट्ठ ने उन्होंने दस्या कि भाई उन्होंने एक डायरेक्शन की लोड़ है ये हुण साडे जिम्मे है बाहर बैठे डायस्पोरा सिखां दे कि असी पंजाब दी लीडरशिप दे नाल जिहड़ी पंथक सोच वाली है तावन करिए और एक सॉलिड मूवमेंट ग्राउंड दे उत्ते खड़ी कीती जाए कौमी कर खालिस्तान दे लई। जी डॉक्टर साहब व्यूअर्स सो जांदे जांदे मैं बेनती करदे आं तुहाडे चरणा दे विच कि इस प्लेटफॉर्म नूं TV84 नूं अगे वधाउण दे लई चलदा रखण दे लई तुहाडी सहायता दी लोड़ है। सानूं तुसीं डोनेट कर सकते हो TV84 दी वैबसाइट दे उत्ते जाके www.tv84.tv ते या चैक राहीं भी डोनेशन अपनियां भेज सकते हो। TV84 दे नाम दा चैक बना के साडे एड्रैस ते तुसीं मेल कर सकते हो 3601 37th Avenue लोंग आइलैंड सिटी न्यूयॉर्क 11101। वैबसाइट एक बार फिर दस दें www.tv84.tv या जिहड़ा नंबर तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते आ रहा है इस दे उत्ते भी तुसीं साडे तक संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप राहीं भी तुसीं साडे तक पहुँच कर सकते हो। कोई भी सवाल सुझाव या डोनेशनस दे लई स्पोंसरशिप्स दे लई जिहड़ियां इनक्वायरीज ने ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ।